हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको ध्यान हो तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें मैंने बीकानेर डिवीज़न की डिमांड्स को लेकर आपसे चर्चा करी थी कि बीकानेर डिवीज़न की कौन कौन सी नई ट्रेनों की डिमांड है और कौन कौन सी ट्रेनों के एक्सटेंशन की डिमांड कर रहा है बीकानेर डिवीज़न। तो उसमें से मैंने आपको एक प्रपोजल बताया था कि सादुलपुर से जयपुर के बीच में ट्राई वीकली एक नई ट्रेन चलाई जाए। तो इस प्रकार से जो है बीकानेर डिवीज़न ने एक डिमांड करी थी रेलवे बोर्ड से, जो कि अब जाके अप्रूव हो चुकी है। और मैंने उस वक्त आपको वीडियो में भी बोला था कि ये एक बहुत अच्छी डिमांड करी है बीकानेर डिवीज़न ने, क्योंकि ये यहाँ पे नई ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। और अगर ट्रेनों का एक्सटेंशन करते जयपुर की किसी ट्रेन को सादुलपुर तक या फिर बीकानेर तक, मान लो कहीं पे भी इसको एक्सटेंड करते, तो वो मेरी नज़र में एक अच्छा प्रपोजल नहीं होता। लेकिन ये जो था नई ट्रेन चलाने का प्रपोजल, ये बहुत ही अच्छा प्रपोजल था। एनीवे आगे बढ़ते हम इस वीडियो में और बता दूँ मैं आपको इस ट्रेन की क्या टाइमिंग्स है और कब से ये स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन जो है जयपुर से सादुलपुर के लिए 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और सादुलपुर से चलेगी 16 अगस्त से जयपुर के लिए। और इस ट्रेन की टाइमिंग है जयपुर से रवाना होने की 13:25 यानी कि दोपहर के 1:25 पे, और सादुलपुर इसका पहुँचने का टाइम है शाम को 6:55 पे, यानी कि 7 बजे के आसपास जो है ये ट्रेन सादुलपुर पहुँच जाएगी। और अगले दिन इसका सादुलपुर से डिपार्चर होगा 6:10 पे और जयपुर ये पहुँचेगी 12:12। और इस दौरान ट्रेन टोटल 282.7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। इस ट्रेन में टोटल 12 कोचेज होंगे और ये डीजल लोगों के साथ रन करेगी जयपुर से सादुलपुर के बीच में। और बात करें अगर इसके स्टॉपेज की, तो इसके जयपुर से सादुलपुर के बीच में टोटल 10 स्टॉपेज होने वाले हैं। और आप लोग अभी यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर इसके स्टॉपेजेस की लिस्ट देख सकते हैं और उसकी टाइमिंग भी देख सकते हैं आप अराइवल और डिपार्चर की। इस ट्रेन के चलने से सादुलपुर और शेखावटी रीजन के लोगों को जो है जयपुर से मुंबई और इलाहाबाद की डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी अच्छी, क्योंकि जब ये ट्रेन 12 बजे जयपुर पहुंचेगी तो उस टाइम पे मुंबई सेंट्रल जयपुर गणगौर एक्सप्रेस पहुंचती है और उसके बाद इलाहाबाद जयपुर भी जयपुर जंक्शन पहुंचा करती है। तो मेरे को लगता है कि जयपुर से मुंबई और इलाहाबाद की कनेक्टिविटी का अच्छा ऑप्शन बन सकती है ट्रेन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था मेरी तरफ से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की जानकारी आगे भी इन फ्यूचर देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके बाद मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।